चलिए शुरू करते हैं। 3D टॉपिक का जितना भी फॉर्मूला है 5 मिनट में याद करवाएंगे। कितने मिनट में? 5 मिनट में। लेकिन थोड़ा कंसेप्ट से अगर याद करवाएंगे तो 10 मिनट लगेगा। तो हम सोच रहे हैं 5 मिनट से बोर हो गया, अब 10 मिनट में आ जाते हैं ना। ऐसे 1 घंटा वाला भी वीडियो डाला गया है ना। देखिए 3D फिगर है ना, जिसकी 3 बीमाएँ हों और उसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है ना, ये है घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, है ना। देखिए बेसिकली ये दरोगा के लिए डेडिकेट करके बना रहे हैं। ऐसा नहीं है बालक की और दूसरे एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा ही है ना। तो इसमें प्रिज्म, पिरामिड ये सब का बात नहीं किए, उतना लंबा बात नहीं किए, मतलब इतना से आ सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी लिए हैं। दूसरी बात कि जितना भी 3D फिगर होगा यूलर्स फॉर्मूला को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक घनाभ को कंसिडर करें तो घनाभ में है ना, इस तरीके से घनाभ इंग्लिश भी लिख देते हैं ना, ये मत समझना कि बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले हैं ना। हाँ देखो बाबू, ये है क्यूब और ये है क्यूबॉइड, ये है सिलेंडर, बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर, जो घर में खाना बनाते हैं आप। ये है बाबू कोन, ये है स्फेयर और ये है बाबू हेमी स्फेयर। ये क्या है? हेमी स्फेयर। अब ये सब का फॉर्मूला का आप लोगों को बड़ा टेंशन होता था, क्या होगा एग्जाम में जाके, है ना। ये सब का चिंता नहीं करना, मैं हूँ, है ना। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आ रहा है ना, और सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो हम इतना ऑनलाइन कहाँ पढ़ाते थे। हम तो ऑफलाइन टीचर हैं, 8-10 साल से गांव घर इधर उधर पढ़ाते चल रहे, समझ रहे हो ना। हाँ तो बात करते हैं कि यूलर्स फार्मूला होता क्या है। तो यूलर्स फार्मूला के अकॉर्डिंग है ना, शीर्ष अगर इसका देखा जाए तो इसका शीर्ष कोना को शीर्ष बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना कोना है? 8 है ना। अगर सतह की बात करें तो 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6 तो 6, 8, 6, 14 माइनस एज किनारा, किनारा क्या हुआ है बाबू? तो 1 किनारा 2 किनारा है ना, 2 किनारा इधर भी 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8 यानी कि भाई यहाँ से देख लीजिएगा 14 माइनस 8 जाएगा तो कितना? 2 होगा, है ना। तो ये घन या घनाभ के लिए लेके एक्सपेरिमेंट कर दिए है ना। तो यूलर्स फार्मूला जानना चाहिए, बहुत बार ऐसा दे देगा क्योंकि सारा शेप को आप थोड़े जानते हैं, बोल देगा कि एक 3D शेप है जिसका शीर्ष और सतह की संख्या इतना है तो किनारा की संख्या कितना होगा, है ना। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे V+F - E = 2 है ना, तो आपका निकल जाएगा, है ना। तो 3D फिगर वो होगा जो यूलर्स फॉर्मूला को फॉलो करेगा, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग घन के बारे में जानते हैं, घन होता क्या है? तो देखिएगा घन जो होता है, अगर एक वर्गाकार शीट लिया जाए है ना, और इसी वर्गाकार शीट को है ना सेम ऊपर में जितना एज यहाँ पे, जितना मतलब इसके भुजा का लेंथ है उतना ही ऊंचाई पे अगर रख दिया जाए और इस तरीके से बनाया जाए, तो बचपन में मास्टर साहब ने इस तरीके से कुछ बोला था। इस घन को थोड़ा अगर आप खुद से इमेजिन करें बाबू, है ना, तो कितना वर्ग है इसमें? तो आप बोलेंगे गुरु जी 1 और 1 सामने वाला दिखा, इधर से इधर 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6 वर्ग है। कितना है? तो ये 6 वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है बाबू? 6 वर्ग होता है, 6 स्क्वायर होता है ना। तो अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए ना, लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाएगा तो ऊपर और नीचे वाला छोड़ दिया जाएगा, है ना, मतलब चारों तरफ जो वाल है, अगर आपका घना मतलब घन आकार में अगर आपका रूम है तो फर्श को छोड़ देंगे नीचे वाला को और ऊपर वाला टॉप को छोड़ देंगे। जो जितना दीवार में पेंटिंग वगैरह होगा, जो कहानी है, वो लेटरल सरफेस एरिया का ही पार्ट होगा। और अगर इसमें 4 पार्ट है यानी 4 स्क्वायर है, और 1 स्क्वायर का एरिया क्या होता है बाबू? 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4a² अगर टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात रहे बाबू, तो 2 को भी जो छोड़े थे उसको भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 6a² हो जाएगा, है ना। तो ये पहला आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। लेकिन तीसरा टॉपिक इसमें भी है, वॉल्यूम, आयतन। क्या है बाबू? आयतन। आयतन होता है 1³ या 1³ बोल सकते हैं, है ना। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है बाबू? सेम है। तो a × a × a क्या हो जाएगा? 1³। आगे चलते हैं बाबू, आगे बताते हैं आपका घनाभ। तो घन का बड़ा भाई है क्या? घनाभ, जिसमें बोला गया कि आयताकार सीट होगा। जिस तरीके से वर्गाकार सीट आप ले रहे थे, इस तरीके से ये क्या होगा? आयताकार सीट होगा, और ऊंचाई भी जो बढ़ाएंगे वो h ऊंचाई तक रहेगा, है ना।
तो घनाभ है एल बी एच, यही एल इंटू बी टू एच, इसको हम बोल सकते हैं ये आयतन है। वहाँ ए तीन बार गुना था, यहाँ एल बी एच गुना है। अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, या हम लोग को नौवां क्लास में पढ़ना रहता था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, याद आया? अब बोलेंगे यस। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है बाबू, तो हमको पता है कि हमारे घर में अगर कोई घर कमरा बना हुआ है तो दो जो दीवार होगा आमने सामने वाला वो एक जैसा होगा, नहीं, और उधर वाला इधर वाला एक जैसा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं गुरुजी, अगर सिर्फ अगर ऐसे हम बात करें कि घर के अगर नीचे वाले बाउंड्री, नीचे वाले अगर बाउंड्री की बात करें कि जो भी घर है हमारा, तो उस बाउंड्री के एक परिमाप होगा, और उस परिमाप को अगर हम कितना ऊंचाई तक ले जाएंगे तो बाउंड्री का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, है ना। मतलब परिमाप इंटू ऊंचाई आप बोल सकते हैं। तो परिमाप होता है बाउंड्री का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपका आयताकार घर है तो नीचे नीचे में आप देखते होंगे रेड कलर का पेंटिंग करवाते हैं पापा की, पानी ना आए, चढ़े ना, ख़राब ना हो दीवार, तो उस बाउंड्री को चारों तरफ भूलेंगे तो परिमाप आ जाएगा। और परिमाप को अगर एच हाइट तक लेके चल जाएंगे तो यही आपका हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऊपर एच हाइट तक लेकर चल जाएंगे तो, है ना। अब बाबू अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर नीचे सब जगह पेंट करना है, पिताजी को करवाना है, तो बाबू है ना ये सभी को जोड़ना पड़ेगा। देखो जैसे क्या है कि अगर मान लें लंबाई इंटू चौड़ाई में अगर आपका घर है, है ना, और एच ऊंचाई तक है, है ना, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 2 इंटू एल बी भी आएगा, बी एच भी आएगा और एल एच भी आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आपको बता ही दिए, तो सारा मामला हो गया कंप्लीट। इसी में आपसे पूछेगा है ना, खिड़की लगा है, ये लगा है, वो सब क्वेश्चन का पार्ट है, अभी फिलहाल में ये याद कर लो जी। अगला जो है बाबू बेलन है। अब बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, सिलेंडर बोलते हैं, है ना, वही सिलेंडर जिस पे आप खाना बनाते हैं, लेकिन क्या वो परफेक्ट सिलेंडर है? नहीं, ऊपर में अलग शेप होता है। तो इसको समझना तो ऐसे समझ सकते हैं कि शादी विवाह में गांव में टेंट में देखते होंगे कि एक ड्राम लाया जाता था पहले के ज़माने में, अब तो गांव में शादी होता है कहाँ, अब तो सब लोग करते हैं जी इधर उधर ही, है ना, करते हैं अभी भी, है ना। तो टेंट में देखते होंगे एक ड्राम आता होगा, है ना, तो उस ड्राम में जो गोलाकार ड्राम आता है ना, तो नीचे में सर्कल होता है, क्या होता है बाबू, सर्कल होता है, ऐसे होता है। तो ये सर्कल सर्कुलर शेप को आप देखिए कि राउंड शेप में ही ऊपर तक उठाया रहता है ना, उसी में पानी वगैरह डालते हैं, उसी में से पानी वगैरह सब लोग निकालते हैं डालते हैं। तो अगर हमको बेलन का अगर हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहे, जिसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना, किनारा वाला जिसमें पेंट किया हुआ रहता है, तो भाई साहब वो जो किसके सहारे रहेगा, इसके परिमाप के सहारे ही रहेगा, इसी पे तो चदरा बना हुआ रहता है, और ये जो निकलेगा है ना, तो परिमाप या सरकमफेरेंस इसके बोला जाता है परिधि, है ना, परिमाप परिधि सरकमफेरेंस सब एक ही है। तो आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि अगर आर त्रिज्या है, कितना त्रिज्या बाबू आर, तो 2πr इसका परिधि है, और ये 2πr परिधि है तो एच हाइट तक उठा रहेगा कि नहीं, तो मान लो एच हाइट का आपका ड्राम है, है ना, तो एच हाइट से गुना कर देंगे तो 2πrh। अगर बाबू अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना, क्या निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्र, तो देखो नीचे में भी एरिया होगा सर्कल का, और ऊपर में अगर ड्राम है ढक्कन है तो ढक्कन को बंद करोगे ना तो भी तो सेम ही सर्कल रहेगा ना, जैसा नीचे जैसा ऊपर। तो सर्कल का एरिया आपने पढ़ा होगा πr², क्या पढ़ा है बाबू, πr², तो ऐसा ऐसा दो सर्कल नीचे ऊपर, तो इसमें 2πr² जोड़ देंगे, 2πrh प्लस 2πr². तो नौवां क्लास में फॉर्मूला हमारे मास्टर साहब ने बोला कि ऐसा है 2πr हो जाएगा बाबू ये, और इसमें h कॉमन है, इसमें क्या है कॉमन r, तो 2πrh प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अगर आयतन की बात करें वॉल्यूम, तो देखो जी आयतन क्या होता है, एक स्पेस होता है, उस स्पेस में कितना जल डाल सकते हो, कितना गेहूं चावल सब डाल सकते हो, तो वो एरिया पे ही रहेगा ना, कितना उसका आयतन है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा जी, है ना, कितना एरिया में आप रखेंगे, कितना हाइट तक आपका गेहूं चावल अंदर जाएगा, है ना। तो एरिया कितना निकाले हैं, πr², और इस एरिया कितना हाइट तक है, तो एच हाइट तक है, तो ये क्या हो गया बाबू πr² h हो गया। अब आपको अगर बात किया जाए है ना कि शंकु, शंकु है ना, यहीं पे ले लेते हैं ना,
शंकु भाई साहब को, इसको मिटा देते हैं और इसको भाई साहब को ले लेते हैं ना। ये हम बात समझ गए आप लोग, है ना, अलग स्टाइल में समझा रहे हैं ना। चलिए अब शंकु समझिएगा, अगर तो शंकु ये देखिए बात को समझिएगा, कौन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब देखिए बेलन जो है बिल्कुल आप अगर देखेंगे कॉपी में बनाएंगे, नौवां क्लास दसवां क्लास में बनाते थे तो ऐसे होता था, ऐसे ड्रॉ, है ना। शंकु अगर आप देखेंगे ध्यान से तो शंकु इसी का पार्ट है, है ना। लेकिन कैसा पार्ट है वो ऐसे देख सकते हो कि आप शंकु को नायक मूवी देखे होंगे तो बोलता होगा वर्ल्ड कप दिखाता होगा। ये क्या है, अनिल कपूर पूछता क्या है, तो वर्ल्ड कप है सर, तो वही वर्ल्ड कप बना रहे हैं कि बालक अगर यहाँ से यहाँ अगर मिला दिया जाए और यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए और 3D शेप में अनुभव किया जाए, ये नहीं कि बोर्ड के शेप में, तो 3D शेप में अगर अनुभव करेंगे तो ये जो है आपका 1/3 पार्ट रहेगा। बेलन का कौन सा पार्ट होगा, 1/3 पार्ट होगा, यानी वॉल्यूम को 1/3 कर दें, क्या कर दें, 1/3 कर दें, तो 1/3 πr² h हो गया किसका आयतन, शंकु का आयतन, क्लियर है। दूसरा बात बाबू कि इसको अगर थोड़ा सा मिटा दें, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का काम हो गया है ना, हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके मिटाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब हमारा शंकु बच गया, अगर गड़बड़ है तो इसको हम बना देते हैं खट खट खट। चलिए ये अगर बात करें शंकु का तो आयतन निकालना आसान था सर, इसका 1/3 होगा, लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बाहर में पेंट इधर उधर किया हुआ रहता है, ये वाला पेंटिंग है, ये वाला पेंटिंग है भाई साहब, ये वाला बाहर वाला, तो देखिए इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा जो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वॉल्यूम 1/3 हुआ था, 1/3 हुआ था, लेकिन क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, तो पाई आर, क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर। लेकिन अब इसमें अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, इसमें एच है ही नहीं, इसमें क्या है बाबू, L है, इसको हम लोग बोलते हैं H और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू, L, क्या बोलते हैं इसको, L बोलते हैं, क्या बोलते हैं, L, ये R है और ये H है और ये क्या है, L, तो H के जगह कैंसिल होके, H के जगह कैंसिल होके क्या हो जाएगा बाबू, L हो जाएगा, तो क्या हो गया फॉर्मूला, पाई आर L। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग बात किए थे पाई आर L, तो ठीक है ये भी रहेगा प्लस, अब देखिएगा हम लोग 2πr² जोड़ते थे पिछली बार, कितना जोड़े थे 2πr², इस बार बाबू ऊपर बूंदा है केवल, पिछला बार ऊपर में ही वृत्त था, इस बार क्या है बूंदा, बूंदा के बारे में पता है ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, तो आयतन कुछ नहीं और ना कुछ भी क्षेत्रफल कुछ नहीं, तो पाई आर एल प्लस केवल नीचे वाला का क्षेत्रफल, नीचे में वृत्त है कि नहीं है ना, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दोनों कैपिटल आ रही है ना, छोटा और बड़ा आर से कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपके दिमाग में बिठाती हैं, उम्मीद करते हैं कितना कम टाइम में आपको इतना ज़्यादा कोई याद नहीं करवाएगा, है ना, मैथ्स में नहीं करवाएगा, GS में करवा सकता है, इंग्लिश उंग्लिश में। हाँ, दूसरी बात कि दूसरी नहीं तीसरी बात हो गया, हम लोग का ख़त्म हो गया सिलेंडर और शंकु, अब हम लोग हमला करते हैं गोला पे, किस पे हमला करेंगे, गोला, गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, स्फीयर। तो देखो ये सब अगर फाउंडेशन क्लास में पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन दरोगा के लिए कितना जरूरत है, या GD वाला भी देख सकता है या बिहार SSC वाला भी देख सकता है ना, इससे काम चल जाएगा। देखो गोला को अगर इस तरीके से देखा जाए, फुटबॉल आप लोग देखे होंगे, खेले तो नहीं होंगे ना, बिहार में कहाँ फुटबॉल जी, और गोला को चार भाग में अगर बांट दें, गोला किस कितने भाग में बांट दें, चार भागों में बांट दें, तो गोला को चार भाग में 3D शेप में अगर इमेजिन किया जाए बाबू, है ना, और इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, है ना, तो आप देखेंगे तो एक तरीके से ये शंकु दिखेगा, ऐसा शंकु दिखेगा जिसमें रेडियस और हाइट बराबर है, रेडियस और हाइट क्या बाबू, बराबर है। तो शंकु का अगर आयतन अगर देखा जाए, शंकु का क्या देखा जाए, ये एक वृत्ताकार शेप में आपको दिखेगा, है ना, उसका बेस है जो वृत्ताकार शेप में दिख रहा है, एक शंकु, ऐसा ऐसा चार शंकु दिखेगा कि नहीं, अब बोलेंगे यस चार दिखेगा। तो अगर आयतन का फॉर्मूला निकालना है तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, याद है थोड़ा देर पहले तो बताए हैं, और h के जगह r है तो 1/3 πr³ हो गया, 1/3 πr³ एक का, तो हमारे पास कितना है बाबू, चार है, ऐसा ऐसा कितना है, चार, तो 4/3, चार से गुना कर दिए कितना हो जाए, 4/3 πr³। इसी तरीके से अगर लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए किसका, गोला का, तो देखो गोला जो है चारों तरफ से गोल मटोल होता है। क्या होता है बाबू, गोल मटोल। इसमें वक्र लो या कुल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक सर्कल का एरिया अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर है बाबू, तो चार सर्कल है, तो चार सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि गोला से फॉर्मूला का अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो उसमें मेरा नाम लीजिएगा और मुस्कुराइएगा एग्जाम में, है ना। और अगला अर्धगोला, अर्धगोला की बात करें तो गोला का आधा अर्धगोला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्धगोला में बाबू अगर आयतन, अर्धगोला आधा काट देंगे, है ना, ऐसे तारबूज को काटे हो ना, ऊपर में रेड कलर का रहता है जी खाने वाला, और उसमें बीज उज भी रहता है ना। हाँ, तो देखो आयतन की बात करेंगे तो आयतन तो गोला का अर्धगोला आधा हो जाएगा, तो चार का आधा 2/3 पाई आर क्यू। इसके लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए चारों तरफ से 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा अगर करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। अब बोलेंगे यस सर, ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे तो ये गोला वाला सीन नहीं है, कुल पृष्ठीय क्षेत्र में गोला वाला सीन नहीं। अब बोलेंगे सर तारबूज खाते हैं ना, तो ऊपर में रेड कलर का जो बीज उज सब रहता है, एक सर्कुलर शेप में दिखता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सर वो भी ऐड होगा, है ना। वक्र पृष्ठ में सिर्फ दीवार वाला है ना, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में गुरु जी ये पाई आर स्क्वायर खुद एक क्या है, सर्कल है, 3D में देखो या तारबूजा के खाओ जी, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर + पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर। देखिए बाबू, हम जितना हो सके उतना करने की कोशिश किए, आपको याद हुआ या नहीं हुआ ये तो ऊपर वाला जानता है ना, और आप जानते हैं। तो इसको एक बार देखेंगे वीडियो को 2-4 बार तो आपको समझ में आएगा, आपको याद रहेगा। अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगा, है ना। और वीडियो को इसी तरीके से शेयर करते रहिए, है ना। हम भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर लाइव आकर भी पढ़ाएंगे, है ना। तो ये आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जय हिंद, जय भारत।